गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। सबसे पहले तो आप सभी बच्चे रोज़ की तरह अपना अटेंडेंस बना लें, और इसे बनाने का प्रोसेस आप सभी बच्चे को पता है, बस इसी प्रोसेस के अकॉर्डिंग अटेंडेंस बनाइए, फिर हम लोग आज की पढ़ाई शुरू करेंगे। सभी बच्चे SST की नोटबुक ओपन कर लेंगे, जिनके पास बुक होगी वो बुक ओपन कर लेंगे। मैंने एक क्वेश्चन दिया था बुक में, देखिए पेज नंबर 49 है, उसमें हॉट्स क्वेश्चन है। मैंने वो दिया था कि आप बच्चे खुद से कोशिश करेंगे बनाने की, और मैं इसका आंसर मैंने कहा था कि नेक्स्ट क्लास में मैं लिखा दूंगी और आप लोग मैच कर लेंगे, है ना। तो मैं ये आज लिखा देती हूँ, आप सभी बच्चे नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। इससे पहले मैंने लिखाया था क्वेश्चन नंबर ई, यानी कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 2 or 3 लाइन्स। लॉन्ग आंसर था, जिसे आपने नोट किया हो और उसे याद भी किया था, है ना, उसे याद करना था। तो उम्मीद करती हूँ कि सभी बच्चे याद किए होंगे, और याद करने के बाद सुनाना होता है, तो सुनाने का काम भी मैं बता चुकी हूँ कि आप लोग कोई भी चीज़ नोट कीजिए तो उसे ज़रूर याद कीजिए, और याद करने के बाद उसे आपके घर में जो भी आपको स्टडी में हेल्प करते हैं आप उन्हें सुना दिया कीजिए, है ना, इस तरीके से। तो चैप्टर 8 का हमारा क्वेश्चन नंबर ABCDE कंप्लीट हो गया था। दैट मीन्स कि टिक द करेक्ट ऑप्शन, फिल इन द ब्लैंक्स, शॉर्ट वाला, वन वर्ड वाला आंसर, उसके बाद वन लाइन वाला आंसर, उसके बाद 2 or 3 लाइंस वाला। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया था। मैंने हॉट्स क्वेश्चन, क्रिएटिव स्किल्स और लाइफ स्किल्स कहा था कि आप बच्चे खुद से बनाएंगे। जाहिर है जिनके पास बुक है वही बच्चे क्रिएटिव स्किल्स और लाइफ स्किल्स भी बना पाए होंगे, है ना, और बनाना भी चाहिए, क्योंकि मैंने बोला था, होमवर्क दिया था। आज मैं इसका आंसर लिखाती हूँ, और आप बच्चे नोटबुक में, जिनके पास बुक नहीं है, हॉर्स क्वेश्चन को तो नोटबुक में ही नोट करना है, इसीलिए मैंने नोटबुक सबको ओपन करने को बोला, और जिनके पास बुक है क्रिएटिव स्किल्स लाइफ स्किल्स वो बुक में आंसर मैच करेंगे, और जिनके पास बुक नहीं है वो नोटबुक में क्वेश्चन बनाएंगे। क्रिएटिव स्किल्स तो नहीं बन सकता, लेकिन लाइफ स्किल्स बन जाएगा तो वो कर लेंगे। तो आइए मैं इस क्वेश्चन को लिखती हूँ, है ना, उसके बाद आप सभी बच्चे नोट करना शुरू करें। मैं क्वेश्चन लिखूंगी हॉर्स क्वेश्चन, क्योंकि जिनके पास बुक नहीं है वो बच्चे नोटबुक में नोट करेंगे, इसलिए हॉर्स क्वेश्चन इसी तरीके से आपके बुक में लिखा हुआ है। क्वेश्चन है, राजू हैज जस्ट ज्वाइन अ स्कूल कैन यू हेल्प him by telling him which room he should go to। He should room go to। तो इसी तरीके से पॉइंट दिया हुआ है, उसके बाद क्या लिखा हुआ है, रीड बुक्स। तो जैसे पॉइंट दे के लिखा हुआ है, बुक वाले बच्चे देख ही रहे हैं। उसके बाद सेकंड पॉइंट है, बाय चिप्स। उसके बाद थर्ड पॉइंट है, सी द स्कूल नर्स। फोर्थ पॉइंट है, सिंग एंड डांस। वहां पे नहीं आता इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा। तो क्वेश्चन क्या है, ये पूरा क्वेश्चन हो गया, ओके, क्वेश्चन लिखा नहीं है, यहाँ पे लिख देंगे। ये क्वेश्चन है कि राजू हैज जस्ट ज्वाइंड अ स्कूल, बोले कि एक बच्चा है जिसका नाम क्या है, राजू है, उसने अभी नया नया स्कूल ज्वाइन किया है, मतलब स्कूल में एडमिशन लिया है। कैन यू हेल्प हिम बाय टेलिंग हिम विच रूम ही शुड गो। तो क्या आप बता सकते हैं उसे जिस रूम में जाना है, जैसे सपोज उसे, मतलब यहाँ पे पॉइंट दे रहा है, उसे रीड बुक्स पढ़ने के लिए जाना है, बाय चिप्स खरीदने के लिए जाना है, सी द स्कूल नर्स, उसे स्कूल नर्स को देखने जाना है, सिंग एंड डांस, और सिंगिंग और डांसिंग करना है, गाना गाना है, नाचना है। तो इन सारी चीज़ों के लिए उसे कौन से रूम में जाना चाहिए, क्या आपको, आप उसे बता सकते हैं? तो जाहिर है आपको पता है, तो आप बताइएगा कि बुक्स रीड करने के लिए हमें कहाँ जाना होगा, चिप्स वगैरह खरीदने के लिए स्कूल में कौन सी जगह में जाना होगा। तो आइए हम आंसर लिखते हैं, ओके। तो आंसर लिखेंगे,
ये आंसर कर देते हैं. आंसर नेक्स्ट लाइन से शुरू कीजिएगा. क्या हो जाएगा सबसे पहले, है ना, क्या है उसे रीड बुक्स, बुक्स पढ़ने के लिए कौन से रूम में जाना होगा. तो हम आंसर लिखेंगे ही शुड, पॉइंट दे देंगे क्योंकि ये फर्स्ट पॉइंट का है, ही शुड गो टू, ही शुड गो टू रीड बुक्स. तो क्या हो जाएगा, ही शुड गो टू लाइब्रेरी, लाइब्रेरी टू रीड बुक्स. हुआ ना आंसर, क्या हो गया, ही शुड गो टू लाइब्रेरी टू रीड बुक्स. उसे किताबें पढ़ने के लिए लाइब्रेरी जाना चाहिए, पुस्तकालय जाना चाहिए. हुआ ना पहला, तो पहला ये, क्योंकि अब आंसर के लिए जगह कम पड़ रही है इसलिए मैं एक एक लिखाते हुए समझाती जाऊंगी. ओके, तो क्वेश्चन कह रहा है राजू हैज जस्ट ज्वाइंड अ स्कूल, कैन यू हेल्प हिम बाय टेलिंग हिम व्हिच रूम ही शुड गो टू, कौन से रूम में से जाना चाहिए. बुक्स पहला पॉइंट था, बुक्स रीड करने के लिए. तो हमने क्या आंसर लिखा, ही शुड गो टू लाइब्रेरी टू रीड बुक्स. देखिए लाइब्रेरी मैंने इसलिए लिखा कि क्लासरूम में हम लोग लर्निंग करते हैं, है ना, स्टडी करते हैं, लर्निंग करते हैं, रीड एंड राइट करते हैं और भी बहुत सारी अपने सिलेबस से जुड़ी हुई एक्टिविटीज करते हैं ना. लेकिन हमें सिर्फ और सिर्फ जब किताबें पढ़नी है, नोट्स वो है ना बनानी है, तो हम कहाँ जाएंगे उसके लिए, हम लाइब्रेरी जाएंगे और वहाँ पे हम, है ना, लाइब्रेरी में क्या होता है, इंसान साइलेंट रहता है, सभी को साइलेंट रहना है या कुछ भी बोलना एकदम धीरे ताकि दूसरे को डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि वहाँ पे सभी पढ़ने आते हैं और जाहिर है शोरगुल होगा तो लोग पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, उनका माइंड कॉन्सेंट्रेट नहीं हो पाएगा अपनी स्टडी पर. इसीलिए तो लाइब्रेरी में लोग क्या करते हैं, बुक्स रीड करने जाते हैं, किताबें पढ़ने जाते हैं. इसीलिए हमने राजू को क्या बोला, ही शुड गो टू लाइब्रेरी टू रीड बुक्स. तुम्हें, है ना, या उसे लाइब्रेरी जाना चाहिए किताबें पढ़ने के लिए. अब मैं इसे वाइट करूंगी. नेक्स्ट वाला पॉइंट यानी कि उसे अब कहाँ जाना है, बाई चिप्स, चिप्स खरीदने के लिए, तो वो भी हम देखेंगे. अब हम क्या लिखेंगे, ही शुड गो, ही शुड गो टू, गो टू बाई चिप्स, चिप्स खरीदने के लिए उसे कहाँ जाना चाहिए, तो यस यू शुड गो टू कैंटीन, कैंटीन टू बाई चिप्स, है ना. ही शुड गो टू कैंटीन टू बाई चिप्स, उसे कैंटीन जाना चाहिए चिप्स खरीदने के लिए. कैंटीन दैट मीन्स कि भोजनालय, उसे भोजनालय जाना चाहिए क्या खरीदने के लिए, चिप्स, या उसे जो भी चीज़ खरीदना है लेकिन उसे अभी क्या खरीदना है, चिप्स खरीदना है. तो स्कूल में हम चिप्स कहाँ से खरीदेंगे, कैंटीन से. कैंटीन ऐसा जगह होता है स्कूल में जहाँ पे भोजन खरीद के वहाँ पे बैठ के खाया भी जाता है ना. बहुत सारे स्कूल कैंटीन अवेलेबल रहती है लेकिन बहुत सारे स्कूल में नहीं भी रहता है. ओके, तो अभी राजू को कैंटीन, है ना, चिप्स खरीदने के लिए कहाँ जाना है, कैंटीन. अब मैं इसे वाइप कर रही हूँ, नेक्स्ट पॉइंट को लिखूंगी. आप लोग इसी तरीके से नोट कीजिएगा, है ना, अलग अलग लाइन में अलग अलग आंसर. हाँ, नोटबुक वाले बच्चे इस बात का तो ध्यान दे रहे हैं ना कि आपने जब नोटबुक ओपन की और क्वेश्चन नंबर, सभी बच्चे जो भी नोटबुक में लिख रहे हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन हॉर्स क्वेश्चन नोटबुक में ही लिखना है, बुक वाले बच्चे भी, नोटबुक वाले बच्चे भी. और हाँ, तो आपने कहाँ पे लिखना है, आपको तो सभी बच्चे को पता है कि जब आपने लॉन्ग आंसर लिखा है उसी पेज में, दो ही क्वेश्चन था, क्या क्या क्वेश्चन था लॉन्ग आंसर में, कि बोल रहा था क्वेश्चन, राइट टू लाइन्स अबाउट योर स्कूल, अपने स्कूल के बारे में दो लाइन लिखना है, और हाउ डज अ डे बीइंग इन स्कूल, है ना, एक स्कूल का दिन कैसे शुरू होता है. तो ये दो क्वेश्चन के बाद अगर आपके पेज में, जिस पेज में इस दो क्वेश्चन का आंसर लिखे, अगर तीन लाइन से ज़्यादा जगह है तो उसी पेज में लिखना है, और नहीं है तो वो बच्चे न्यू पेज का इस्तेमाल करेंगे. तीन या उससे कम लाइन है तो न्यू पेज का. हाफ पेज वाले बच्चे भी लिखने का तरीका जानते हैं कि हमें लाइन खींचनी है, उसके एक ही लाइन में डेट, चैप्टर, रिमेंबर, दूसरी लाइन में हेडिंग, तीसरी लाइन से लिखना शुरू. और न्यू पेज वाले बच्चे भी लिखने का तरीका जानते हैं कि डेट, चैप्टर, रिमेंबर सबसे ऊपर नोटबुक में, और फर्स्ट लाइन में हेडिंग और सेकेंड लाइन से लिखना शुरू. ये बात आपको पता है और बार बार जानते हैं, इसीलिए मैं ये बात शुरू में नहीं बोली, लेकिन फिर से मैं सोची कि नहीं बता देती हूँ, हो सकता है मिस्टेक हो जाए आप लोगों को. और यहाँ पे जो मैं आंसर लिख रही हूँ, तो आंसर आपका एक लाइन में नहीं अटता, तो मेरा दो लाइन में अट रहा है ना, उसके बाद भी जगह बचती है तो मैं नहीं लिखती हूँ दूसरा लाइन का, दूसरे पॉइंट का आंसर. इसी तरीके से आप एक लाइन में आंसर, एक लाइन में नहीं अटेगा, दो लाइन में एक पॉइंट का आंसर, यानी कि रीड बुक्स, ही शुड गो टू रीड बुक्स टू, ही शुड गो टू लाइब्रेरी टू रीड बुक्स, है ना, लाइब्रेरी जाना चाहिए किताबें पढ़ने के लिए. ये एक लाइन या दो लाइन में अटेगा, इसके बाद वाला फिर लाइन में लिखिएगा. तो चिप्स वाला, ही शुड गो टू कैंटीन टू बाई चिप्स, ये एक या दो लाइन में आटा, उसके बाद वाले में नेक्स्ट पॉइंट. जैसे यहाँ लिखेंगे, ही शुड गो टू
ही शुड गो टू सी द स्कूल नर्स. स्कूल नर्स को देखने के लिए उसे कहाँ जाना चाहिए? तो ही शुड गो टू स्कूल क्लिनिक टू सी द स्कूल नर्स. हो गया ना. ही शुड गो टू स्कूल क्लिनिक टू द स्कूल नर्स. मतलब उसे स्कूल क्लिनिक जाना चाहिए स्कूल की नर्स को देखने के लिए, है ना. तो ये हो गया. तो अब जैसे यहाँ पे है लिख रही हूँ, तो ये दो लाइन में अटेगा या आपका तीन लाइन में अटा, थोड़ा लंबा है तो तीन लाइन भी हो सकता है. तो ये तीन लाइन में अटेगा तो तीन लाइन में लिखिएगा, और उस लाइन के में जगह भी बचेगा तो उसमें नहीं लिखिए. हमें फिर से नेक्स्ट लाइन का इस्तेमाल करना है लास्ट पॉइंट के लिए. क्लियर. अब हम इसको वाइप करते हैं. लास्ट वाला पॉइंट है सिंग एंड डांस. सिंग एंड डांस के लिए उसे कौन से रूम में जाना है तो वो हम देखेंगे. क्या हो जाएगा यहाँ पे? ही शुड गो टू म्यूजिक रूम टू सिंग एंड डांस. ओके, ये हो गया. क्या हुआ? ही शुड गो टू म्यूजिक रूम टू सिंग एंड डांस. उसे म्यूजिक रूम में जाना चाहिए सिंग एंड डांस, गाना गाने के लिए और नाचने के लिए, है ना. तो इस तरीके से हमने राजू को बता दिया कि तुम्हें कौन कौन से जगह जाना चाहिए. उससे उसने बस कहा कि मुझे चिप्स खरीदनी है, मुझे किताबें पढ़नी है, मुझे स्कूल नर्स को देखना है और मुझे गाना गाना है और डांस करना है, तो मुझे कहाँ जाना चाहिए. तो मैंने रूम के बारे में हम लोगों ने उसे बता दिया. तो हमारा हॉर्स क्वेश्चन कम्प्लीट. अब हम कौन सा क्वेश्चन, ये वाला क्रिएटिव स्किल्स का बच्चे खुद से बनाएंगे. मैं बस हिंट दे दूंगी क्योंकि ये नोटबुक में नहीं बन सकता, इसलिए मैं इसे वाइप कर रही हूं और वो क्रिएटिव स्किल्स का बता दे रही हूं. मैंने क्रिएटिव स्किल्स कहा था जो बच्चे बुक वाले, जिनके पास बुक था तो वो बच्चे को कहा था बनाने के लिए, और आपने बनाया होगा. आप बस आंसर मैच कर लीजिए. क्रिएटिव स्किल्स क्या है? क्वेश्चन है राइट द नंबर ऑफ प्लेस वेयर चिल्ड्रेन परफॉर्म दीज एक्टिविटीज. बोलना है राइट द नंबर ऑफ प्लेस. नंबर लिखना है उस प्लेस का जहाँ पे ये सारे बच्चे ये सारी एक्टिविटीज कर सकते हैं या करते हैं या करेंगे, है ना. तो हमें क्या करना है, नंबर लिख देना है. ए में बॉक्स बना हुआ है, बी में बॉक्स बना हुआ है, हर पिक्चर के नीचे आप देखिएगा ध्यान से. सी में बॉक्स बना हुआ है, डी में बॉक्स बना हुआ है एंड ई में बॉक्स बना हुआ है. हमें क्या करना है, एक्टिविटीज़ यानी कि पिक्चर देख के समझनी है कि ये जो एक्टिविटीज़ हो रहा है तो ये कौन से रूम में होगा. तो इधर क्या है, 1 2 3 4 5. ओके, इधर ए बी सी डी ई, ये भी पांच है वो भी पांच है. एक्टिविटीज़ है, पिक्चर है, ध्यान से देखिए. और उसमें देखिए प्लेग्राउंड है, लाइब्रेरी है, क्लिनिक है, कैंटीन है, एक्टिविटी रूम है. तो हमें इस एक्टिविटी को देख के बताना है कि कौन सा रूम है, जैसे हमने राजू का हेल्प किया उसी तरीके से. तो पहला एक्टिविटी देखिए, तो आपको देख के क्या लग रहा है कि बच्चे हैं, कुछ बच्चे खा रहे हैं, कुछ बच्चे खाने की सामान को खरीद रहे हैं, है ना, कैंटीन का जो ये है, कैंटीन में जो शॉपकीपर है बेचने वाला है उससे. तो वो कौन सा, मतलब वो कौन सा रूम है जो बच्चे खा रहे हैं और स्कूल यूनिफॉर्म पहने हुए हैं. तो ये जाहिर है स्कूल यूनिफॉर्म पहन के और स्कूल में हम जो चीज़ खाने की ख़रीदते हैं या वहाँ पे बैठ के खाते हैं वो कौन सा जगह कहलाता है, यस कैंटीन, है ना. तो हम ए में कौन सा नंबर लिखेंगे, ध्यान से बोलिए. ए में 4 नंबर लिख दिए. अब है बी. बी में क्या हो रहा है, दो बच्चे हैं, वो क्या कर रहे हैं, क्ले से क्ले मॉडलिंग कर रहे हैं, यानी कि क्ले चिकनी मिट्टी से एक मिट्टी आती है जो कि गीली, मतलब गीली होती है और चिपचिपा होता है, स्टिकी होता है, उससे बहुत सारी चीज़ों को बनाया जाता है, प्रतिरूपण किया जाता है. तो वो जो बच्चे हैं वो बना रहे हैं, मॉडलिंग कर रहे हैं, क्ले मॉडलिंग. तो वो
कौन से रूम में करेंगे और कौन से रूम में उन्हें करना चाहिए, तो आप बता सकते हैं बी में कौन सा रूम होगा। यस, फाइव नंबर, फाइव में क्या है, एक्टिविटी रूम। तो ये क्ले मॉडलिंग या फिर हम लोग क्राफ्टिंग कहाँ करना चाहिए, हमें एक्टिविटी रूम में करना चाहिए। अब सी नंबर है, सी में देखिए बच्चे हैं बुक्स रीड कर रहे हैं, किताबें पढ़ रहे हैं, तो किताबें हम कौन से रूम में पढ़ते हैं, कहाँ पढ़ते हैं, उस जगह को क्या बोलते हैं, आप देख के बता सकते हैं। यस, वो क्या हो जाएगा, सेकेंड, सेकेंड में क्या है, लाइब्रेरी, यानी कि लाइब्रेरी में हम लोग पुस्तक रीड करते हैं, पढ़ते हैं। अब डी में है, देखिए बच्चे क्या कर रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं, क्या खेल रहे हैं, फुटबॉल या कोई भी गेम, तो हम खेलते हैं, तो हम जिस जगह में खेलते हैं उस जगह को क्या बोलते हैं, यस, क्या हो जाएगा, प्लेग्राउंड। तो प्लेग्राउंड कितने नंबर पे है, वन में, ओके। अब ई में है, ई में क्या हो रहा है, डेंटिस्ट है और बच्चों के दांत का चेकअप कर रहा है, और हाँ डेंटिस्ट बोलते हैं, दांतों के चेकअप करने वाले को क्या बोलते हैं, दांतों को जो हमारे दांत सड़ जाते हैं या दर्द होता है या उखाड़ने पे आता है, तो कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम होता है दांतों से जुड़ा हुआ, तो हम जिस डॉक्टर के पास जाते हैं उस डॉक्टर को क्या बोलते हैं, डेंटिस्ट, है ना। तो बच्चे डेंटिस्ट में, डेंटिस्ट से अपना क्या कर रहे हैं, दांतों को चेकअप करवा रहे हैं। तो अगर हम बीमार हो जाते हैं, अचानक से हमारी तबीयत ख़राब हो जाती है और हम स्कूल में रहते हैं, तो उस समय हम कहाँ जाएंगे, स्कूल में किसको अपनी परेशानी बताएंगे, अपनी तबीयत के बारे में बताएंगे, स्वास्थ्य के बारे में बताएंगे, तो स्कूल कहाँ, स्कूल क्लिनिक में, है ना, वहाँ पे जो डॉक्टर अवेलेबल होंगे, जो नर्स अवेलेबल होंगी, हमें उन्हें अपनी परेशानी बतानी होगी। तो अगर हम स्कूल में बीमार पड़ेंगे तो हम कहाँ जाएंगे, स्कूल क्लिनिक में। तो कितना नंबर उसमें डाल देंगे, यस, थ्री नंबर पे है। तो इस तरीके से हमारा क्रिएटिव स्किल्स कंप्लीट हो गया। अब आपको देखना है लाइफ स्किल्स, तो ये वाला क्वेश्चन बुक वाले बच्चे ही बना सकते हैं, ओके। तो जिनके पास बुक है वो बच्चे मैच कर लेंगे, ए में फोर नंबर हो जाएगा, बी में फाइव, सी में सेकेंड टू, डी में वन और ई में थ्री। अब है लाइफ स्किल्स, लाइफ स्किल्स में क्या करना है, टिक एंड क्रॉस करना है, ओके। तो मैं इस क्वेश्चन को वाइप कर रही हूँ, बुक वाले बच्चे भी बना सकते हैं, नोटबुक वाले बच्चे भी ये क्वेश्चन को बनाएंगे। तो नोटबुक वाले बच्चे ये हॉर्स क्वेश्चन के बाद जो आंसर लिखे हैं उस पेज में लिखिए, अगर नहीं जगह तो नेक्स्ट पेज का इस्तेमाल कीजिए। और हाँ, आपने देखा ना, जिनके पास बुक नहीं है आपका लॉस हो गया, क्या हुआ कि आप क्रिएटिव स्किल्स नहीं बना पाए। इसीलिए मैं कहती हूँ जिन बच्चों के पास बुक नहीं है वो बच्चे अपनी बुक परचेस करवा लें, क्योंकि बुक रहना आपके लिए कितना फ़ायदेमंद है और नहीं रहना कितना नुकसानदायक है। आप देख रहे हैं आप ही का लॉस हो रहा है, इसीलिए बुक होना चाहिए हर हाल में, ओके। और दूसरी बात ये कि जो बच्चे ऑनलाइन क्लास में प्रेजेंट नहीं रहते हैं वो बच्चे भी प्रेजेंट रहा करें, और आप बच्चे जो रहते हैं वो प्लीज़ आप बच्चे दूसरे बच्चे को, यानी कि अपने क्लासमेट्स, अपने फ्रेंड्स को तो कह सकते हैं ना ऑनलाइन क्लास में प्रेजेंट रहने के लिए, इसीलिए आप ज़रूर बोला करें उनको। अब हम लाइफ स्किल्स बनाएंगे, तो पहले हेडिंग डालेंगे लाइफ स्किल्स, ओके। लाइफ स्किल्स का हेडिंग डाल देते हैं। अब हमारा क्वेश्चन है टिक, आप लोग क्वेश्चन भी नोट कीजिए, क्योंकि नोटबुक वाले बच्चे क्वेश्चन नोटबुक में नोट करेंगे। टिक दी एक्टिविटीज, बुक वाले बच्चे सिर्फ ध्यान से समझें और उसको बनाएं। Activities which you should do at school and cross the ones which you should not। पहले मैं इसे पूरा लिख लेती हूँ, उसके बाद पिक्चर तो नहीं बना सकती, लेकिन पिक्चर का एक्शन दिया हुआ है कि क्या एक्शन हो रहा है, और उस एक्शन वर्ड जो लिखा हुआ है उसके बाद बॉक्स बनी हुई है, तो मैं लिख दूंगी रीड है, रीड के बाद बॉक्स, ड्रो है, ड्रो के बाद बॉक्स, स्लीप है उसके बाद बॉक्स, फाइट है फिर से बॉक्स, प्ले है बॉक्स, क्राई है
कराइए फिर बॉक्स। टोटल 6 एक्शन वर्ड है और इस एक्शन वर्ड में बॉक्स बना हुआ है हर के बाद। और क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, टिक द एक्टिविटीज विच यू शुड डू एट स्कूल। उस एक्टिविटीज, उस क्रियाकलाप में यानी कि उस कार्य में आपको टिक लगाना है जो कि आपको स्कूल में करना चाहिए। एंड क्रॉस द वंस विच यू शुड नॉट, और उसमें क्रॉस लगाना है जो कि आपको नहीं करना चाहिए। और इसको टिक बोलते हैं इस सिंबल को, और इसको क्रॉस बोलते हैं, ओके। इसीलिए टिक और क्रॉस लिखा हुआ है तो दोनों का सिंबल दे दिया है। अब ये वर्ड है, मतलब ये एक्शन है, आप बुक में देख रहे हैं ना, इसे रीड, ये रीड कर रही है तो यहाँ पे रीड लिखा हुआ है, ये ड्रो कर रहा है तो ड्रो लिखा हुआ है, ये स्लिप कर रहा है तो स्लिप लिखा हुआ है, ये फाइट कर रहा है तो फाइट लिखा हुआ है, ये प्ले कर रहा है तो प्ले लिखा है, ये क्राई कर रही है तो क्राई लिखा हुआ है। अब हमें क्या करना है, अब हमें फर्स्ट रहा ना टिक और क्रॉस करना है। तो सबसे पहला क्या है, रीड है, READ, रीड मीन्स पढ़ना। तो हमें स्कूल में रीड करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, यस हमें स्कूल में पढ़ना चाहिए क्योंकि हम स्कूल रीडिंग एंड राइटिंग करने के लिए, लर्निंग करने के लिए ही जाते हैं। तो हम इसमें क्या कर देंगे, टिक लगा देंगे इस तरीके से, ओके हो गया। अब सेकेंड है ड्रो, ड्रो मीन्स मतलब चित्रकला करना, चित्र बनाना, पेंटिंग करना। तो क्या हमें स्कूल में करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए क्योंकि हम स्कूल जाते ही हैं स्टडी करने के लिए, लर्निंग करने के लिए, एंड है ना बहुत सारी एक्टिविटीज को लर्निंग करने के लिए। तो इसमें हम टिक लगा देंगे। अब है स्लीप, स्लीप में सोना, क्या हमें स्कूल में सोना चाहिए, नहीं। सोने का काम हम घर पे करेंगे, वो भी किस टाइम करेंगे, शाम में करेंगे, रात में करेंगे और थोड़ा सा दोपहर में कर लेंगे। तो सोना हमें घर पे है ना कि स्कूल में, स्कूल में हम लर्निंग करने जाते हैं, रीडिंग राइटिंग एंड एक्स्ट्रा एक्टिविटीज। तो हम इसको क्या कर देंगे, क्रॉस कर देंगे, ओके। फाइट, फाइट मीन्स लड़ाई करना। तो क्या हमें स्कूल में लड़ाई करनी चाहिए, स्कूल में क्या हमें कहीं नहीं लड़ाई करनी चाहिए क्योंकि लड़ाई गंदे बच्चे करते हैं, गंदे लोग करते हैं। अच्छे बच्चे और अच्छे इंसान का काम है लड़ाई नहीं करना, बल्कि हमें है ना प्यार मोहब्बत से एक दूसरे के साथ रहना। तो हम इसमें क्या कर देंगे, क्रॉस कर देंगे। अब है प्ले, प्ले मीन्स खेलना, क्या हमें स्कूल में खेलना चाहिए, यस। हर जगह जैसे हम स्कूल में रहते हैं तो हमें स्कूल में भी थोड़ा सा खेलना चाहिए ताकि हमारा माइंड थोड़ा है ना रिलैक्स फील करे और फिर से हमें लर्निंग करने में हमें हेल्प मिले। और दूसरी बात, घर पे रहते हैं तो भी हमें खेलना चाहिए, हर एक चीज़ का समय होता है। खेलने के समय खेलिए, पढ़ाई करने के समय पढ़ाई कीजिए, खाने के समय खाइए और रेस्ट करने के समय रेस्ट कीजिए। तो हम ये क्या कर देंगे, टिक कर देंगे। क्राई, क्राई मीन्स रोना, क्या हमें रोना चाहिए, तो नहीं हमें स्कूल में नहीं रोना चाहिए और घर पे भी हमें नहीं रोना चाहिए क्योंकि गंदे बच्चे रोते हैं, अच्छे बच्चे रोते नहीं हैं बल्कि अपने से बड़े, चाहे वो पेरेंट्स हो, टीचर्स हो या जो भी एल्डर्स हो, उनकी बातें को मानना। सभी आपसे प्यार करते हैं, आप अच्छा बिहेव कीजिए है ना, तो सभी आपको प्यार करेंगे और आपकी बातों को मानेंगे। तो हमें रोना नहीं चाहिए, किसी भी बात पर जिद नहीं करना चाहिए। तो ये हमारा लाइफ स्किल्स चैप्टर 8 का कंप्लीट हो गया। तो नोटबुक वाले बच्चे इसी तरीके से नोट कर लें, बुक वाले बच्चे बस रीड या ड्रो जो भी है तो बॉक्स में आप इसी तरीके से है ना टिक और क्रॉस कर दें। तो हमारा चैप्टर 8 कंप्लीट हो गया, आप सभी बच्चे इसी तरीके से नोट कर लीजिए और बना लीजिए। और हाँ, आज जो है हमारा जो क्वेश्चन आंसर है यानी कि क्वेश्चन नंबर ई, तो लॉन्ग आंसर है तो आपको याद नहीं हो पाई होगी, तो वो अगेन रिमेंबर है। तो आपका क्वेश्चन नंबर ई ऑफ चैप्टर 8, अगेन रिमेंबर क्वेश्चन नंबर ई ऑफ चैप्टर 8, चैप्टर 8 का क्वेश्चन नंबर ई आपको फिर से याद करना है, ओके। और जिन बच्चे को इस चैप्टर का वर्ड मीनिंग नहीं याद है वो बच्चे वर्ड मीनिंग याद कर लेंगे, या जिनको क्वेश्चन नंबर है ना डी नहीं याद है शॉर्ट आंसर, वो भी याद कर लेंगे। आपके पास समय है और पढ़ाई करना चाहिए, पढ़ाई कीजिए, ओके। अब मैं अपनी क्लास को स्टॉप कर रही हूँ। जब क्लास स्टॉप होता है उस समय मैं क्या देती हूँ, एक गुड हैबिट टिप देती हूँ। तो आज का हमारा गुड हैबिट टिप एट टेबल के लिए ही है, है ना, इनके खाने पे, खाने के मेज़ पे हमें कैसे रहना है या खाने के दौरान हमें क्या क्या करना है। तो आज क्या है, डू नॉट योर एल्बो ऑन योर टेबल। जैसे आप डाइनिंग टेबल पे बैठे हैं या आपके घर में जो भी टेबल है उस टेबल पे आप खाना खा रहे हैं, तो अपना जो एल्बो है, एल्बो समझते हैं ना, इसको बोलते हैं, कोई नहीं को बोलते हैं, ये जो एल्बो है इसे टेक नहीं लगाना है। जैसे क्लासरूम में भी आप लोग बैठे रहते हैं ना, तो हम लोग अक्सर बोलते हैं टीचर्स कि बच्चे ऐसे ना बैठे, ये बैठने का तरीका गलत है। हमें पोस्चर यानी कि हमारे जो बैठने का तरीका है या खड़े होने का तरीका या चलने का तरीका है वो हमारा सही होना चाहिए, है ना, ताकि उससे हमारा बॉडी स्ट्रक्चर भी सही रहे और हम एक्टिव रहें। तो इसीलिए अगर आप पढ़ाई करने का समय ऐसे बैठ के मेरी बातों को सुनिएगा या फिर कोई भी टीचर्स जो आपको पढ़ा रहे हैं, तो आपका उन टीचर पर ध्यान नहीं रहेगा, नज़र तो रहेगी लेकिन आपका जो माइंड है, दिमाग है, मस्तिष्क है, वो किसी और सोच में डूब जाएगा। तो हमें क्या करना है, अपनी बातों पर
है ना, अपने जो काम कर रहे हैं उस पर हमें ध्यान रखना है, तो हमें स्ट्रेट मुद्रा में रहना है। इसीलिए खाने के टेबल पे, ऐसे टेबल पे जो हम टेक कर देंगे तो जाहिर है हम भोजन कैसे खाएंगे, तो हमें अच्छे से या फिर ऐसे भी नहीं रहना है। भोजन का जो तरीका है, हाथ से, चम्मच से, जो भी चीज़, जैसा भी भोजन है, कोई भोजन हाथ से खाने वाला होता है तो कोई हम स्पून या फॉक, कांटे के चम्मच का इस्तेमाल करते हैं या चम्मच का इस्तेमाल करते हैं, जो भी है हमें सही से खाना चाहिए। एक तो छोटे बच्चे हैं या बड़े, जो भी हैं, एक नैपकिन होना चाहिए खाने की, जब खा रहे हैं तो नैपकिन अपने कपड़े पे रखें, अब जब बैठ रहे हैं अपने पैरों पे रखें, ताकि वो खाना जब गिरे तो उसी नैपकिन पे गिरे, उसी बिप पे गिरे, ना कि आपके कपड़े पे गिरे, तो उसे कपड़ा भी बर्बाद नहीं होगा। दूसरी बात कि आपका हाथ का पोजिशन सही होना चाहिए। ओके, तो सभी बच्चे इस बात का ख्याल रखेंगे कि डू नॉट ना योर एल्बो ऑन दी टेबल। ओके, टेबल पे अपना एल्बो नहीं रखेंगे, कोई नहीं रखेंगे। ओके, इस बात को याद रखेंगे। और चैप्टर 8 का क्वेश्चन आंसर शॉर्ट, लॉन्ग या वर्ड मीनिंग, जिन बच्चों को नहीं याद है उनके लिए अगेन रिमेंबर है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू ऑल।